तीन मंजिला इमारत जो है गिर जाती है और बताया जाए जो प्रवासी मजदूर है वो मलबे के अंदर दब जाते हैं। नमस्कार, मैं जनता की आवाज़ और इस वक्त आपको लाइव तस्वीरें दिखा रही हूँ करनाल के त्रावड़ी से। और आपको बता दें त्रावड़ी में हम मौजूद हैं और यहाँ पर आप पीछे देख सकते हैं कि जो है तीन मंजिला इमारत जो है गिर जाती है, जिसके अंदर बताया जा रहा है कि प्रवासी मजदूर होते हैं। और आप देख सकते हैं कि जेसीबी की मदद से जो है मलबे को हटाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। जो ये मंजिल है तीन मंजिला इमारत थी और इसमें जो है मजदूर सोया करते थे और सुबह सुबह का समय था जब ये जो है इमारत गिर जाती है। 3 से 3:30 बजे का सुबह सुबह का समय था जब से जो है यहाँ पर जो है बड़े अधिकारी भी पहुँचते हैं, एसपी डीसी तमाम पुलिस की टीमें मौके पर पहुँचती है और सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है और मलबे को हटाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। और आपको बता दें कि इसके अंदर जो है 100 से 150 के करीब जो है लेबर थी जो मलबे में दब जाती है और जो बताया जा रहा है कि 30 लोग जो है वो घायल हुए हैं और 4 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। और आपको बता दें कि जो ये इमारत है बहुत पुरानी इमारत है और इसमें जो है रिपेयर का काम चल रहा था और यहाँ पर जो मालिक है उसने जो है लेबर को कोई और जगह रहने के लिए नहीं दी थी, जिसके चलते जो है लेबर यहीं पर सोती थी और जो है रिपेयरिंग के दौरान भी जो है नीचे की जो बिल्डिंग थी वो बहुत ज़्यादा कच्ची थी, जिससे जो है 3 मंजिला इमारत जो है गिर जाती है। और आप देख सकते हैं कि कितनी लंबी है इमारत की है जो है नीचे गिर जाती है और मलबे में तब्दील हो जाती है। और आपको बता दें कोई भीम नहीं था, किस तरह से पूरी की पूरी जो बिल्डिंग है वो मलबे में तब्दील हो जाती है और इसके अंदर ही जो है प्रवासी मजदूर जो है वो दब जाते हैं और जो है 30 लोग घायल हो जाते हैं और 4 लोग अपनी जान गंवा देते हैं। इस वक्त आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं त्रावड़ी से कि किस तरह से यहाँ पर जो है पुलिस की टीमें भी पहुंची हुई है और जेसीबी की मदद से जो है यहाँ पर निकाली गई है, मलबा यहाँ से हटाने का प्रयास किया जा रहा है। और यहाँ पर जो मजदूर है उनसे भी हम बातचीत करेंगे, तब तक के लिए वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। इनका काम हो रहा था नीचे जो पिलर पे खड़ा था मकान बरांडे यहाँ हुई, वो पिलर साला नीचे दब गया, ये सारा अक्सरा गिर गया। इसमें माल साइड से सफाई कर रहा था, उसमें रिपेयर होता, लेकिन अगर रिपेयर ही करना था तो मालिक को ये मकान सारे मजदूर के खाली करवा देना चाहिए था फिर, क्योंकि इतना बड़ा मकान, इतना वजन का मकान, बिना पिलर का मकान है, इसमें अगर काम करना ही था तो इनको पूरा खाली करवा देता, सारे मजदूर को बाहर निकलवा देता, फिर इनका रिपेयरिंग का काम होता। लेकिन कोई मजदूर को बाहर नहीं निकाला गया, मजदूर भी रह रहा है, इसमें रिपेयरिंग का काम भी चालू किया गया है, इसलिए के मकान गिर गया। कितने मजदूर थे अंदर? जितने मजदूर तो 400-500 सोते थे। अच्छा, आप भी अंदर ही सो रहे थे? बीती रात कितने थे? बीती रात कितने लोग थे? बीती रात कितने लोग सोए थे? रात को कितने लोग सोए हुए थे? रात में तो जो ज्यादातर आदमी रूम में ही सो रहे थे, सारे बरामदे पर जो फोल्ड बिछा के सोते हैं, खाटूट बिछा के, वो वाले बंदे इसमें लपेट में आ गया। 4 लोगों की मौत हुई है, 15-20 घायल, बाकी कहाँ गए? बाकी 8 में जो रूम में थे तो सारे निकल गए सही सलामत थे। जो बरामदे पे नीचे ऊपर सो रहे थे ना, वो वाले बंदे घायल हो गए। आप भी अंदर ही थे? मैं अंदर नहीं था, बाहर में था। दूसरे तो अभी भी मजदूर अंदर होने की संभावना है, बंदे संभावना है। किसकी लापरवाही है सारी? है लापरवाही तो जी देखिए, रात में 3 बजे नीचे गया मकान, 5 बजे पुलिस वाले नहीं, मालिक को सारा पता था कि बिल्डिंग की हालत खस्ता है, काम चल रहा है। हाँ, ये चीज तो सबको पता है कि बिल्डिंग पुराना है, बिल्डिंग पुराने है, कभी भी कुछ हो सकता है। तो मजदूरों से काम करवाया जाता है, उनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी किसकी है? मालिक का जिम्मेवारी की। मालिक अगर हम फैक्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं तो हम मालिक के थ्रू काम कर रहे हैं, मालिक के अंदर में है तो मालिक की जिम्मेवारी है ना जी। हम लोग बिहार से 1300-1400 किलोमीटर दूर आके यहाँ पे काम कर रहे हैं, फैक्ट्री का कारखाना का। इसकी जिम्मेवारी थी कि जो लेबर है उसको सुरक्षित जगह पे पहुंचाना था कि यहाँ पे तो रिपेयर हो रहा था ना, जी बिल्डिंग भी रिपेयर हो रही थी जी, तो रिपेयरिंग के टाइम पे भी यहीं पे लेबर को सुला रखा है जी 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 जी। अगर रिपेयरिंग जैसे हो चालू था इसमें तो मजदूर को बाहर निकाल देना था, लेकिन इनको मजदूरी सारे के सारे अंदर ही थे, काम भी हो रहा था तो मजदूर कहाँ जाते, मजदूर आगे इतना मजदूर काम करे फैक्ट्री के अंदर, मालिक ही तो कहीं जगह देगा रहने के लिए। मालिक की थी, मालिक का मांग करेंगे मुआवजा मिलना चाहिए जिनकी मौत हुई है, 4 लोग सबको मिलना चाहिए और सबका बेटा पोता सबका परिवार का सबका अति नुकसान हुआ है इसमें। बताइए आगे आगे बंदे उठा उठा के वहाँ से ला रहा है, काम करवाते हैं हम लोग यहाँ पे, किसी का माँ किसी का बेटे को किसी को भाई को उठा उठा के सबको काम करवाने के लाते हैं यहाँ पे इतना दूर में। अगर इतना सारा बात हो जाता है यहाँ पे, अब बताइए उनका जिम्मेवार कौन है, कौन उनको जिम्मेवारी देगा वहाँ पे? कितने मजदूर थे अंदर?
अरे मजदूर थे सारा बंदे, बहुत बंदे थे, 200 बंदे इसमें सोने वाले थे। और पंजाब या कहीं भी पूरे हमारा बिहार या उसको एक पशु के समान, पशु का जो इज्जत होता है, पशु को जैसे व्यवहार किया जाता है वैसे बिहारियों के साथ होता है, यहाँ परदेशियों के साथ होता है। ये नहीं समझता है कि ये कोई मनुष्य इसमें रहेगा। जब ये दीवार गिरता था, गिरने वाला था घर, इसको क्यों नहीं देखा गया? और आज 200 या 20 15 20 बिहारी का जो मौत हुआ है, इसका जिम्मेदार कौन है? इसके बाल बच्चा को कौन भरण पोषण करेगा? मालिक कुछ कहते, कितने लोग यहाँ पे कितने की डेथ हुई है? सर जी, आप, आपका मकान है, आप डेली आते हो, आपको देखना चाहिए ना कि हमारा जो मजदूर रहता है वो बिल्डिंग गिरने वाला है या नहीं गिरने वाला है। ऐसा तो नहीं था, आप रात को मौके पे थे जब ये हादसा हुआ? जी नहीं, हम पूर्वांचल प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं। ठीक है, एक मिनट, एक मिनट रुक जा, पीछे थोड़े मैडम जी, पीछे माइक नीचे कर लो प्लीज, कर लो ना मैडम जी, हम कर लेना, मैं कर ले दो जी। क्या कहेंगे, कब हुआ, सुबह क्या था? बाबू जी ऐसा है कि 3 बजे से अंदर तो निकले, प्राण था, हम कैसे निकले? 3 बजे गिर गया तो निकले, प्राण था, पीछे से पैक था, 500 बंदा ऊपर से बिल्डिंग पर आया गया, फिर सारे बंदे को बाहर, ऊपर तो हमने नीचे 50 बंदा 60 बंदा। आपको कैसे पता चला कि हादसा हो गया? सो रहे थे आप? सो गए हम, उठे पानी पिए ले, पानी पीने के लिए उठे, आज कुल जिसे लोग आए हैं उठे, गिर गई 3 बजे गिर गया हूँ, 3:15 बजे शादी गिर गया। कितने लोगों की मौत बताई जा रही है, कितने लोग? कांड कितना की इसमें काफी हुआ, काफी हुआ, करने वाले 4 को कर रहे हैं, 4 को कर रहा, काफी करने वाले 4 को कर रहे हैं, काफी लोग हुआ है, उसको बुलाइए, ठेकेदार नहीं सामने आ रहा है, नहीं आ रहा है, कैसे नहीं आएगा ठेकेदार? नहीं, भैया को 13,000-12,000 दे करके काम 12 बजे तक करवाता, दूध के बाद सामने आना चाहिए ना, लूम आए थे पूरा गोलमाल मारा चढ़ के, दो दिन बाद सेट आया थे यहाँ तीनू में, नहीं मैं सब आए थे यहाँ पे 2 दिन पहले, 3 दिन पहले आए थे कि फैंस दहाई छदी से खतौते से ये लड चलवाया है। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? अभी विजय महतो है, बिहार के क्षति रहे वाला विजय। तो आपने देखा यहाँ पर जो मजदूर मौजूद थे उनसे हमने बातचीत भी की और उन्होंने बताया किस तरह से जो है मालिक की लापरवाही से जो है ये जो बिल्डिंग गिर जाती है और किस तरह से जो है इतने सारे जो मजदूर है, प्रवासी मजदूर है, वो मलबे में दब भी जाते हैं और जो है घायल भी हो जाते हैं। और आपको बताया ही जैसे कि, और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है एम्बुलेंस जो है यहाँ पर पहुंची है, जो मलबे में से जो लोग निकल रहे हैं और जो घायल है उनको हॉस्पिटल ले जाने का भी पूरा प्रयास किया जा रहा है। तो हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे थे त्रावड़ी से, और आपको बता दें कि जिन मजदूरों से हमने बातचीत की है उनका ये कहना है कि मालिक की लापरवाही से जो है इतने सारे लोगों की जान चली गई है। आप देख ही सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह से दमकल विभाग की गाड़ी यहाँ पर पहुँचती है, तमाम अधिकारी यहाँ पर पहुँचते हैं, SP यहाँ पहुँचते हैं, DC यहाँ पहुँचते हैं, और हाइड्रा यहाँ पर लेकर आई जाती है, JCB लेकर आई जाती है, और मलबे को हटाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है, और जितने भी लोग अंदर दब जाते हैं उनको बाहर निकालने का भी पूरा प्रयास किया जा रहा है। सर्च ऑपरेशन अभी जारी है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो भीड़ है वो कितनी ज्यादा उमड़ी हुई है। तो ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल से बने रहे। इसी के साथ मैं जनता की आवाज, जय हिंद जय भारत।